हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 29 मई 2019 के करंट अफेयर्स के हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिट टेड असेंबली अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द फर्स्ट यूएन हैबिटेट असेंबली एट द प्लेनरी सेशन ऑफ द असेंबली बीइंग हेल्ड इन नैरोबी। भारत को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित पहली यूएन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। भारत नैरोबी में आयोजित होने वाली असेंबली के प्लेनरी सत्र में पहली यूएन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, पेमा खांडू विल बी स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर द सेकेंड टाइम ऑन 29 मई आफ्टर हैविंग ए लैंड स्लाइड विक्ट्री इन द असेंबली इलेक्शन विद 41 सीट्स इन द 60 सीट्स हाउस। द बीजेपी हेल्ड इट्स लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग इन ईटानगर। पेमा खांडू 29 मई को दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 60 सीटों वाले सदन में 41 सीटों के साथ विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने ईटानगर में विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की। नेक्स्ट, ओरछा टाउन इन मध्य प्रदेश है जे प्लेथोरा ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स विद द बुंदेला डायनेटी आर्किटेक्चरल स्टाइल। द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड दैट हेरिटेज टाउन ऑफ ओरछा इन अ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इट वॉज इंक्लूडेड इन द प्रपोजल्स सेंट बाई द ASI टू द UN बॉडी इन अप्रैल 2019। मध्य प्रदेश में ओरछा शहर में बुंदेला राजवंशीय स्थापत्य शैली के साथ ऐतिहासिक स्थलों की बहुतायत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की एक अस्थायी सूची में ओरछा को विरासत शहर के रूप में शामिल किया है। यह अप्रैल 2019 में ASI द्वारा संयुक्त राष्ट्र निकाय को भेजे गए प्रस्ताव में शामिल था। नेक्स्ट, लीडर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन BIMSTEC हैव बीन इन्वाइटेड फॉर PM मोदी स्वेयरिंग इन ए सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन 13 मई। However, Bangladesh Premier Sheikh Hasina will not attend the event due to her prior commitment. 30 मई को होने वाले PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि बांग्लादेश की प्रमुख शेख हसीना अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। नेक्स्ट, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई। बोर्न ऑन 28 मई इन 1883 नियर नासिक इन महाराष्ट्र, सावरकर वाज पॉपुलरली कॉल्ड वीर सावरकर। 28 मई को स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास जन्मे सावरकर को लोकप्रिय रूप से वीर सावरकर कहा जाता था। नेक्स्ट, टू वुमेन IAF ऑफिसर्स फ्रॉम पंजाब वर पार्ट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ऑल वुमेन क्रू टू फ्लाई ए मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17V5। पंजाब की दो महिला IAF अधिकारी देश की पहली ऑल वुमेन क्रू का हिस्सा थी जिन्होंने एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-17V5 उड़ाया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल टू जस्टिकेट वेदर और नॉट दियर इज सफिशियंट कोज फॉर डिक्लेयरिंग द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलेनम
एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन द ट्रिब्यूनल इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ सिटिंग जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस संगीता धींगरा सहगल। सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि ट्रिब्यूनल का गठन किया है ताकि यह तय किया जा सके कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित करने के पर्याप्त कारण है या नहीं। ट्रिब्यूनल में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल शामिल है। नेक्स्ट, द DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यू वर्जन ऑफ द आकाश सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विद ए न्यू इंडिजिनियसली डेवलप्ड सीकर इन बालासोर ऑफ द ओडिशा कोस्ट। DRDO ने ओडिशा तट से दूर बालासोर में एक नए स्वदेशी रूप से विकसित साधक के साथ आकाश सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, तो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हैज रिमूव्ड चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज फ्रॉम ऑफिस एज ही होस्ट द नो कॉन्फिडेंस इन ए स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन। हिज प्रीवियस कॉलिसन एली द फार राइट फ्रीडम पार्टी FPO एंड द अपोजिशन सोशल डेमोक्रेट्स SPO बैक्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशंस। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज को एक विशेष संसदीय सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटा दिया गया है। उनके पिछले गठबंधन सहयोगी फार राइट फ्रीडम पार्टी FPO और अपोजिशन सोशल डेमोक्रेट्स ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। नेक्स्ट, रशिया लॉन्च्ड ए न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर पार्ट ऑफ एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू रिन्यू एंड एक्सपांड इट्स फ्लीट ऑफ द वेजल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू टैप द एरकेटिक्स कमर्शियल पोटेंशियल। रूस ने परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया जो आर्कटिक की व्यावसायिक क्षमता को टैप करने की क्षमता में सुधार करने के लिए जहाजों के अपने बेड़े को नवीनीकृत और विस्तारित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा था। नेक्स्ट आई बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचार के, तो इंडियन ओवरसीज बैंक IOB हैज अनाउंस दैट इट हैज लॉन्च्ड बैंक ऑन व्हील्स फैसिलिटी इन 14th ऑफ इट्स लीड डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु एंड केरला बिसाइड्स विजयवाड़ा। द मोबाइल वैन फैसिलिटी विल इनेबल टू पब्लिक स्पेशली सीनियर सिटीजन्स कन्वेंशनली गेट डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल एट आइडेंटिफाइड लोकेशन ऑफ द लीड डिस्ट्रिक्ट्स। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने घोषणा की है कि उसने विजयवाड़ा के अलावा तमिलनाडु और केरल के 14 बैंकों में बैंक ऑफ व्हील्स की शुरुआत सुविधा शुरू की है। मोबाइल वैन सुविधा जनता को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को मुख्य जिलों के चिन्हित स्थानों पर आसानी से डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट आई बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की, तो द फॉर्मर मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद हैज बीन नॉमिनेटेड एज द कंट्रीज पार्लियामेंट्री स्पीकर। नसीद वाज अनमेनियसली चूजन टू हेड द पीपल्स माजिस और द पार्लियामेंट बाई हिज मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी MDP विच वोन ए नियर 3/4 मेजोरिटी इन द 87 मेंबर असेंबली इन अप्रैल। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद को देश के संसदीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नसीद को सर्वसम्मति से पीपुल्स मजलिस या संसद का प्रमुख चुना गया। उनकी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP ने अप्रैल में 87 सदस्य विधानसभा में लगभग 3/4 बहुमत हासिल किया। नेक्स्ट, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैज अपॉइंटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश दिनेकर एज द न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मिसाइल सन इन साउथ सूडान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश दिनेकर को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर से सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब UP कंपटीशन चैनल और साथ ही साथ हमें अकेडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।